हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स अक्टूबर सेकेंड वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है युवा 2.0 के ऊपर। अभी युवा क्या है उसके बारे में बात करते हैं कि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन, उन्होंने अभी लॉन्च किया है युवा 2.0। युवा का फुल फॉर्म क्या है? यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, ये युवा 2.0 लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, उसके द्वारा, राइट। और ये स्कीम क्या है कि जो विच इज़ अ प्राइम मिनिस्टर्स ऑथर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, ये जो स्कीम है ना वो ऑथर्स मेंटरशिप प्रोग्राम है। जो ऑथर्स होते हैं उनको यहाँ पे मेंटरशिप प्रोवाइड करने की बात चल रही है। टू ट्रेन यंग एंड बिल्डिंग द ऑथर्स बिलो द एज ऑफ द 30 ईयर्स इन ऑर्डर टू प्रमोट द रीडिंग राइटिंग एंड बुक कल्चर इन इंडिया, राइट। ये जो स्कीम है युवा 2.0, उसका फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। ये क्या है? एक ऑथर्स मेंटरिंग प्रोग्राम है जहाँ पे ट्रेन किया जाता है यंग एंड बर्निंग ऑथर्स के, जो जिसकी एज 30 ईयर से कम है उनको ट्रेन करने की बात चल रही है, राइट। टू प्रमोट द रीडिंग राइटिंग एंड बुक कल्चर इन इंडिया, राइट। तो ये तीन पर्पज़ के लिए बराबर ना युवा 2.0 यहाँ पे लॉन्च किया गया है, राइट। युवा 2.0 इज़ अ फॉलो अप टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ द युवा। ये 2.0 है, मतलब 1.0 भी हुआ होगा। वी सॉ लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन फ्रॉम द यंग एंड बर्निंग ऑथर्स इन 22 डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश, बराबर ना। जब ये पहली बार युवा लॉन्च किया गया था, बराबर ना, तब उसके अंदर 22 डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर अलग अलग ऑथर्स ने पार्टिसिपेट किया था, बराबर ना। और इसके लिए यहाँ पर युवा 2.0 लॉन्च किया गया है, ओके। अगर मैं युवा 2.0 के रिगार्डिंग कुछ की पॉइंट्स की बात करूं कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इंडिया एट द रेट 75, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव अभी हमने सेलिब्रेट किया उसी का ये पार्ट है। इस थीम ऑन द डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशंस इवेंट्स पीपल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, राइट। बेस्ड ऑन दिस थीम द यंग राइटर्स विल शेयर देयर पर्सपेक्टिव इन एन इनोवेटिव एंड द क्रिएटिव मैनर, राइट। द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाई द नेशनल बुक ट्रस्ट, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में काम करती है। इट विल इंश्योर द फेस वाइज एजुकेशन ऑफ द स्कीम, बराबर ना, ओके। द बुक प्रिपेयर अंडर द स्कीम विल ऑल्सो बी पब्लिश बाई द नेशनल बुक ट्रस्ट एंड विल ऑल्सो बी ट्रांसलेटेड इन टू द अदर इंडियन लैंग्वेजेस टू एक्सचेंज द कल्चर एंड द लिटरेचर, देयर बाय प्रमोटिंग द एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। This scheme will help in developing a stream of the writers who can write on the different subjects to promote the Indian heritage, culture and knowledge system, right? So the selected young authors will interact with the best authors of the world, participate in the literary festivals etc, right? ये स्कीम के अंदर देखो कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। एक तो सबसे पहले तो युवा 2.0, युवा 2.0 का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका फुल फॉर्म क्या है? यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, राइट। ये एक ऑथर्स मेंटरिंग प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा लॉन्च किया गया है, बराबर ना। ये युवा 2.0 है, मतलब उसका फर्स्ट फेज भी लॉन्च किया गया था। उसके अंदर 22 डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर ऑथर्स ने पार्टिसिपेट किया था, राइट। उसकी थीम क्या रखी गई है? डेमोक्रेसी, मतलब आप कोई भी लैंग्वेज के अंदर, कोई भी कल्चर के अंदर आप लिख सकते हो, राइट। उसके अलावा ये बुक, ये जो पूरा स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? तो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, राइट। और ये जो बुक पब्लिश भी नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ही करेगा। और ये जो बुक फॉर एग्जांपल कोई भी एक लैंग्वेज के अंदर होगी ना, तो उसका हर एक लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेशन होगा, ताकि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो हम प्रमोट कर रहे हैं वो हम उसको और प्रमोट कर पाए, सिंपल, बराबर ना, ओके। और जो यहाँ पे जो कुछ सिलेक्टेड राइटर्स होंगे, जो सिलेक्टेड ऑथर्स होंगे, उनको वर्ल्ड के बेस्ट ऑथर्स के साथ मिलाया जाएगा, ताकि और अलग अलग लिटरेरी फेस्टिवल्स के अंदर भी हम उनको पार्टिसिपेट करवाने ले जाएगा, राइट। तो इस प्रोग्राम के थ्रू, ओके। तो जो रीडिंग राइटिंग और बुक कल्चर्स को यहाँ पे प्रमोट करने की बात चल रही है, बराबर ना, वो युवा 2.0 यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ओके। अगर मैं युवा 2.0 के शेड्यूल की बात करूँ, टोटल ऑफ 75 ऑथर्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू द ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट टू बी कंडक्टेड थ्रू द दिस माई गवर्नमेंट पोर्टल, राइट।
एंड द विनर्स विल बी अनाउंस ऑन द फेब्रुवरी 28, 2023 बराबर। द यंग ऑथर्स विल बी ट्रेन बाय द एमिनेंट ऑथर्स एंड मेंटर्स फ्रॉम द 1 मार्च टू 31 अगस्त 2023 राइट। द यंग ऑथर्स विल बी ट्रेन बाय द एमिनेंट ऑथर्स फ्रॉम 1 मार्च टू 31 अगस्त 2023। द फर्स्ट सेट ऑफ द पब्लिश बुक्स विल बी लॉन्च ऑन द अक्टूबर 2, 2023 राइट। ये जो शेड्यूल अगर मैं युवा 2.0 की बात करूँ, टोटल 75 ऑथर्स को सिलेक्ट किया जाएगा राइट माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर से, और उसके अलावा विनर्स भी वहीं पे अनाउंस किया जाएगा बराबर ना। ओके एंड उसके अलावा जो यंग ऑथर्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा 1 मार्च से 31 अगस्त तक, उनके द्वारा जो बुक लिखी जाएगी वो पहली बार पब्लिश की जाएगी फेस वन के अंदर 2 अक्टूबर 2023 के अंदर। ओके परफेक्ट। अगर मैं मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की बात करूँ तो उसके मिनिस्टर कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। ओके और उसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, तो अन्नपूर्णा देवी, डॉक्टर सुभाष सरकार और डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह बराबर ना। तो ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के आपको स्टेटिक फैक्ट्स भी याद रखना है। ओके फ्रेंड्स चलो, बड़ी नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल्स टू 6.43% इन सेप्टेम्बर 2022 राइट। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा दिया गया है, CMIE के द्वारा राइट। तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा गिवन बाय द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी, CMIE क्या है, सेंटर फॉर द मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी, जो उसने जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज डिक्रीज सिग्निफिकेंटली टू 6.43% इन सेप्टेम्बर 2022 ओइंग टू इंक्रीज इन द लेबर पार्टिसिपेशन इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज राइट। इस जो संस्था है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी, उसके अकॉर्डिंग इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.43% हुआ है राइट। 6.43% जो पहले के मुकाबले कम हुआ है राइट। और ये सितंबर 2022 का डेटा है राइट। अगर मैं अगस्त की बात करूँ तो यही संस्था ने अगस्त में रिपोर्ट निकाला था और तब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था, 8.3% था। तो उसके कंपेरिजन में बहुत ही कम हुआ है, जो एक अच्छी बात है। सेप्टेम्बर महीने के अंदर बहुत ही कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट हुआ है, तो एक अच्छी बात है राइट। दिस इज द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट लेवल रिकॉर्डेड इन द पास्ट 4 ईयर्स सिंस द अगस्त 2018 से, जो 4 साल के अंदर सबसे कम ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 6.43%, एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है आफ्टर द पेंडेमिक राइट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज अ परसेंटेज ऑफ द लेबर फोर्स दैट इज अनएम्प्लॉयड विलिंग टू वर्क एंड एक्टिवली सीकिंग द एम्प्लॉयमेंट। देखो फ्रेंड्स, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि भाई जो भी घर पे बैठा है वो अनएम्प्लॉय होता है, ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो आपको पता होना होगा कि लेबर फोर्स क्या होता है। लेबर फोर्स क्या होता है, तो जो भी पर्सन जो एम्प्लॉयड है, जो एम्प्लॉयड है और जो अनएम्प्लॉयड है राइट। अभी देखो दो ही तरीके के पर्सन होते हैं, या तो एम्प्लॉयड हो गए या तो फिर अनएम्प्लॉयड हो गए। लेकिन अनएम्प्लॉयड को कैसे यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि जो पर्सन ग्रेजुएट है, जिसने अप्लाई किया है लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो उसको अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में डाला गया है। जो ग्रेजुएट है जिसने अप्लाई किया है लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही है, उसको अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में डाला गया है बराबर ना। तो लेबर फोर्स के अंदर एम्प्लॉयड पीपल जो अभी काम कर रहे हैं, और अनएम्प्लॉयड पीपल कि जो जिसने अप्लाई किया लेकिन जिसको जॉब नहीं मिल रही है बराबर ना। ये दोनों को मिला के लेबर फोर्स बनता है राइट। लेबर फोर्स बनना है तो यहाँ पे लेबर फोर्स के अंदर कितने अनएम्प्लॉयड है, जो अगस्त के अंदर 8.3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, अभी वो 6.43% हो गया है, जो कम हो गया सेप्टेम्बर के अंदर। ये जो संस्था है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी, वो हर महीने अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा निकालती है राइट। ओके अगर हम थोड़ा डिटेल में बात करें तो इन सितंबर 2022 अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द रूरल एरिया वो डिक्रीज हुआ है, कितना हो गया है 5.84%। पहले कितना था अगस्त 2022 के अंदर 7.68% राइट। और अगर अर्बन एरिया की बात करें तो अर्बन एरिया के अंदर अगस्त के अंदर 9.57% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, जो अभी कितना हो गया 7.7% बराबर ना। तो दोनों अर्बन और रूरल दोनों एरिया के अंदर यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट डाउन हुआ है, तो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी डाउन हुआ है सिंपल बराबर ना। ओके अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करूँ स्टेट वाइज, तो इन सेप्टेम्बर 2022 राजस्थान हेड द हाइएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट
राइट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा कहाँ पे? राजस्थान के अंदर, बराबर ना, विच इज सेक फॉलोड बाय द जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड नंबर पे कहाँ पे आएगा? जम्मू एंड कश्मीर। और अगर मैं बात करूँ सितंबर के अंदर, तो छत्तीसगढ़ हैज़ द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बराबर ना, तो 0.1%, और विच इज़ फॉलोड बाय द आसाम। तो सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट है छत्तीसगढ़ के अंदर, उसके बाद आसाम, और सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है राजस्थान के अंदर, उसके बाद आएगा जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो ये थोड़ा सा स्टेटिक फैक्ट्स आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, अगर मैं सेंटर फॉर द मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी की बात करूँ, बराबर ना, ये सर लीडिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन कंपनी, बराबर ना, वो एक लीडिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन कंपनी है, दैट प्राइमरी फंक्शन एज एन इंडिपेंडेंट थिंक टैंक, बराबर ना, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, खास करके ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में, बराबर ना। उसके एमडी है महेश व्यास, उसका एस्टैब्लिशमेंट 1976 के अंदर, उसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। ओके फ्रेंड्स, चलो। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट 2020, अभी लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक ऑफिस है, ऑफिस ऑफ द रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर के द्वारा, राइट। और इस रिपोर्ट के अंदर क्या बताया गया है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फॉर द मेल्स एंड फीमेल्स इन द इंडिया इज़ फाइनली इक्वलाइज इन 2020, राइट। अभी ये क्या न्यूज़ है ये समझते हैं। अगर मैं इन्फंट मोर्टैलिटी रेट के बारे में बात करूं, तो इन्फंट मोर्टैलिटी रेट क्या होता है कि इज अ नंबर ऑफ द इन्फंट डेथ फॉर एवरी 1000 लाइव बर्ड्स, राइट। इन्फंट का मतलब है नवजात शिशु, बराबर ना, कि 1000 लाइव बर्ड्स के कंपेयर में कितने इन्फंट की डेथ होती है, बराबर ना, तो इसको बोलते हैं इन्फंट मोर्टैलिटी रेट, बराबर ना, राइट। तो एक तो नेशनल लेवल द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज़ डिक्रीज बाई 9 पॉइंट्स फ्रॉम 37 इन 2015 एंड बाई 2 पॉइंट्स फ्रॉम 30 इन 2019 टू 28 इन 2020। कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना हो गया है, 2020 के अंदर 28, जो 2015 के अंदर कितना था, 37 था, मतलब 1000 बर्थ के अंदर, लाइव बर्थ के दौरान 37 इन्फेंट्स की मृत्यु हो जाती थी 2015 के अंदर। 2019 के अंदर 30 इन्फंट्स की मृत्यु हो जाती थी, और 2020 के अंदर कितनी हुई है, 28, मतलब 2 पॉइंट से कम हुआ है कंपेयर टू द लास्ट प्रीवियस ईयर, बराबर ना, 2019 का डेटा जो है उसमें। मध्य प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट इन्फंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब केरला हैज़ द लोएस्ट, बराबर ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का इन्फंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, 43, और केरला का कितना है, जस्ट 6, बराबर ना। बिटवीन 2015 से 2020 देर वॉज अ डिक्लाइन ऑफ द आईएमआर इन द बोथ द जेंडर्स, दोनों जेंडर्स के अंदर, मतलब मेल और फीमेल दोनों के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है 2015 से 2020, तो एक अच्छी बात है। एज अ रिजल्ट रूरल आईएमआर हैज डिक्रीज बाय 10 पॉइंट्स फ्रॉम 41 इन 2015 टू 31 इन 2020। रूरल आईएमआर की बात करूँ, राइट, तो रूरल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रूरल एरिया के अंदर जो इन्फेंट्स की मृत्यु हो जाती है पर 1000 लाइव बर्थ, बराबर ना, जो 2015 के अंदर 41 नंबर थे, जो 2020 के अंदर कितने हो गए, 31, बराबर ना। और अर्बन की बात करूँ तो 2015 के अंदर 25 थे, बराबर ना, वो 2020 के अंदर कितने हो गए हैं, 19 हो गए। तो दोनों के अंदर सिग्निफिकेंट डिक्रीज मिला है। तो रूरल आईएमआर वाज हायर देन द अर्बन आईएमआर इन एवरी स्टेट, बराबर ना। तो अगर मैं पहले पहले बात करूँ तो हर एक स्टेट के अंदर रूरल आईएमआर हायर था, बराबर, देन द अर्बन आईएमआर, बराबर ना। इन 2011 द डिस्पेरिटी बिटवीन द मेन एंड फीमेल आईएमआर वॉज हायर इन द अर्बन रीजियंस इन मेनी स्टेट्स इंक्लूडिंग द हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र एंड हरियाणा, अ ट्रेंड रिवर्स इन 2020, बराबर ना। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ अलग अलग स्टेट्स की, बराबर ना, रिगार्डिंग द इन्फंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में, बराबर ना, तो एक्सेप्ट फॉर द उत्तराखंड, बराबर ना, द टू रेट्स वेर इक्विवेलेंट इन 2011, बराबर ना, ऑल स्टेट्स हैड हायर आईएमआर फॉर द फीमेल बेबीज देन द मेल्स, बराबर ना। 2011 के अंदर उत्तराखंड के अंदर फीमेल और मेल के आईएमआर इक्वल बन गए थे, उसके अलावा कभी भी किसी भी स्टेट्स के अंदर, बराबर, फीमेल के आईएमआर ऑलवेज ज़्यादा हो गए मेल के कंपेरिजन में, बराबर ना। लेकिन अगर मैं ये एसआरएस स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट 2020 की बात करूँ, तो आईएमआर इज़ इक्वल फॉर द बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द 5 स्टेट्स एंड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ द दिल्ली। तो ये 6 जगह पे, बराबर ना,
बोथ तो बॉयज़ एंड गर्ल्स के जो IMR से वो इक्वल है बराबर। पहली बार ऐसा हुआ है कि 6 जगह पे इक्वल हुआ है, बट लोअर फॉर द फीमेल्स इन 8 स्टेट्स बराबर ना। और फीमेल्स का IMR कम है मेल के कंपेरिजन में 8 स्टेट के अंदर, तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है बराबर ना। इन 2020 छत्तीसगढ़ हैड द लार्जेस्ट डिस्पेरिटी, सबसे ज़्यादा डिस्पेरिटी कहाँ पे देखने को मिली, छत्तीसगढ़ के अंदर, विद द मेल IMR ऑफ 35 एंड फीमेल IMR ऑफ 41 बराबर ना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्पेरिटी छत्तीसगढ़ के अंदर देखने को मिली है। डिस्पेट द फैक्ट दैट एवरेज IMR इन छत्तीसगढ़ डिक्लाइन फ्रॉम द 48 टू द 38 बराबर ना। हाँ, इट इज़ वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स गिवन द डिस्पेरिटी बिटवीन द मेल एंड फीमेल IMR रोज बिटवीन द मेजर 11 एंड 2020 राइट। तो ये छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो यहाँ पे डिस्पेरिटी सबसे ज़्यादा है बराबर ना, कि मेल का IMR 35 है और फीमेल का IMR 41 है। हालांकि एवरेज IMR 48 से 38 कम हुआ है, लेकिन डिस्पेरिटी के मामले में अभी भी छत्तीसगढ़ फर्स्ट नंबर पे है बराबर ना। IMR डिस्पेरिटी बिटवीन द मेल्स एंड फीमेल्स ऑल्सो वाइडन इन द बिहार आसाम और कर्नाटका, बिहार आसाम और कर्नाटका में भी डिस्पेरिटी बहुत ज़्यादा है राइट। अकॉर्डिंग टू UN डेटा फॉर 2020, इंडिया वॉज द ओनली कंट्री विद द नियरली इक्वल मेल एंड फीमेल IMR अमंग द कंट्रीज विद द IMRs अबोव द 20। अगर हम सभी कंट्रीज़ की बात करें कि जहाँ पे IMR अबोव 20 है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अबोव 20 है ऑन एवरेज नेशनल लेवल के ऊपर, वो सभी कंट्रीज़ के अंदर एकमात्र कंट्री है इंडिया का जहाँ पे मेल और फीमेल की जो IMR रेट्स है बराबर वो इक्वल है राइट। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है एक्चुअली। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा बराबर ना, कि अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया है SRS। ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स की एक ऑफिस है, ऑफिस ऑफ द रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमीशन, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है राइट। और बहुत पहली बार एक्चुअली इतने सारी जगह पे मेल और फीमेल की जो IMR रेट्स हैं वो इक्वल हुए हैं। अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ सिवाय उत्तराखंड का जो 2011 के अंदर हुआ था राइट। लेकिन अभी भी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे डिस्पेरिटी ज़्यादा देखने को मिल रही है, जहाँ पे फीमेल्स के IMR बहुत ज़्यादा है कम्पेयर टू द मेल्स के IMR बराबर ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स, चलो। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडिया बिकम्स अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द शुगर राइट। तो एक अच्छी न्यूज़ है एक्चुअली, उसको देखते हैं। तो फॉर द शुगर सीजन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, शुगर सीजन कब से कब होती है, अक्टूबर से सितंबर 2021-22 की बात चल रही है। तो जो जैसे फाइनेंशियल ईयर कब से कब होता है, अप्रैल से मार्च होता है बराबर ना, कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर होता है, उसी तरीके से शुगर सीजन की कब होती है, अक्टूबर से सितंबर होती है बराबर ना। और रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ द मोर देन 5,000 लाख मेट्रिक टन ऑफ द शुगर केन वॉज प्रोड्यूस इन द कंट्री, मेकिंग द इंडिया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द शुगर इन द वर्ल्ड। ये जो अक्टूबर से सितंबर 2021-22 का जो पीरियड हुआ राइट, उसके दौरान हमने 5,000 लाख मेट्रिक टन शुगर केन का प्रोडक्शन किया, जो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कंजप्शन करने वाला और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हम शुगर बने हैं एक्सपोर्टर राइट इन द वर्ल्ड। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है ये। ऑफ दिस, ये अगर मैं बात करूँ 5,000 लाख मेट्रिक टन ऑफ द शुगर केन की अगर बात करूँ, उसमें से 35 लाख मेट्रिक टन ऑफ द शुगर वॉज चैनल टू द प्रोडक्शन ऑफ द इथेनॉल, वाइल 359 लाख मेट्रिक टन ऑफ द शुगर वॉज प्रोड्यूस बाय द शुगर मिल्स। देखो, अगर आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे हम शुगर केन के प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, कि शुगर केन का हम सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, सबसे ज़्यादा कंजप्शन भी करते हैं और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है, तो ये शुगर केन में से शुगर बनाई जाती है। शुगर केन में से क्या बनाई जाती है, शुगर, और ये शुगर में से इथेनॉल बनाया जाता है, इथेनॉल राइट। अभी इथेनॉल बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज आपको पता होगा कि इंडिया ने इथेनॉल ब्लेंडिंग विद द पेट्रोल प्रोग्राम, इथेनॉल ब्लेंडिंग विद द पेट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया है, जहाँ पे पेट्रोल के साथ क्या मिक्स करने की बात चल रही है, पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल, पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल मिक्स करने की बात चल रही है बराबर ना। देखो, अभी जो हम पेट्रोल यूज़ करते हैं उसके अंदर 5 से 7% इथेनॉल अभी तक हमने मिक्स किया है राइट। लेकिन 2025 तक गवर्नमेंट ने टारगेट बनाया है कि पेट्रोल के अंदर कितना इथेनॉल मिक्स होगा, 20%। अभी ये इथेनॉल मिक्स करने के दो रीज़न हैं, एक तो फॉर एग्जांपल हम
1 लीटर पेट्रोल हम यूज़ करते हैं बराबर, तो यहाँ पे अगर 100% पेट्रोल होगा तो हम ज़्यादा क्रूड ऑयल का यूज़ करेंगे। अभी हम क्रूड ऑयल हम मेनली इंपोर्ट करवाते हैं, और अब अभी आपको पता ही है कि भाई दुनिया के अंदर रुपी और डॉलर की क्या सिचुएशन है, राइट। तो ये हमको क्रूड ऑयल एक्चुअली महंगा पड़ रहा है, राइट। तो अभी फॉर एग्जाम्पल हम 20% इथेनॉल मिक्स कर लेंगे तो 1 लीटर पेट्रोल में बराबर ना, चलो 100 लीटर पेट्रोल के अंदर 80 लीटर पेट्रोल होगा और 20 लीटर क्या होगा इथेनॉल। तो यहाँ पे हम 20 लीटर पेट्रोल का हमको कम इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, तो हमारा पैसा बच सकता है। उसके अलावा अगर मैं CO2 एमिशन की बात करूँ, तो अगर 100% पेट्रोल होगा तो उसमें CO2 एमिशन ज़्यादा होगा, और अगर उसके साथ इथेनॉल मिक्स होगा तो CO2 एमिशन कम होगा। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, अगर हम जितना ज़्यादा इथेनॉल वो पेट्रोल के साथ मिक्स करेंगे तो वो एक एफिशिएंट भी है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, और हमको वो कम क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करवाने में भी मदद करेगा। तो ये तीन ऑब्जेक्ट से हमने इथेनॉल ब्लेंडिंग विद द पेट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो उसके लिए हमको इथेनॉल का प्रोडक्शन बहुत चाहिए डोमेस्टिकली। तो इथेनॉल का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, शुगर में से बराबर ना, और शुगर कहाँ से मिलती है, शुगर केन में से। तो ये जो शुगर केन में से जो शुगर जो प्रोड्यूस करते हैं उस फैक्ट्रीज को क्या बोलते हैं, शुगर मिल्स, उसको क्या बोलते हैं शुगर मिल्स बराबर ना। तो हमने ये जो 5,000 लाख मैट्रिक टन जो शुगर केन हमने प्रोड्यूस किया है उसमें से 359 लाख मैट्रिक टन शुगर कहाँ पे गई है, शुगर कहाँ से प्रोड्यूस हुई है बराबर, शुगर मिल्स के थ्रू। ओके, तो ये आपको पता चला होगा। ओके, अगर मैं की पॉइंट्स की बात करूँ तो शुगर सीजन 2021-22 रिकॉर्डेड द हाईएस्ट शुगर एक्सपोर्ट ऑफ ओवर 109.8 लाख मैट्रिक टन डिस्पाइट रिसीविंग द नो फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बराबर ना। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सब्सिडी नहीं दी गई थी एक्सपोर्ट के लिए, लेकिन फिर भी हाईएस्ट एक्सपोर्ट हुआ है 109.8 लाख मैट्रिक टन का बराबर ना शुगर का। ये बहुत ही रिमार्केबल चीज़ है एक्चुअली। सीजन सो द ऑल टाइम रिकॉर्ड लेवल फॉर द शुगर कैन प्रोडक्शन, शुगर प्रोडक्शन, शुगर एक्सपोर्ट, कैन प्रोक्योरमेंट, कैन ड्यूस पेड एंड इथेनॉल प्रोडक्शन बराबर ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोर देन 1.18 लाख करोड़ वर्थ ऑफ द शुगर कैन वॉज प्रोड्यूस बाय द शुगर मिल्स ड्यूरिंग द ये जो शुगर सीजन है 2021-22। तो कितने कितने लाख करोड़ की 1.18 लाख करोड़ का शुगर कैन यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया इस साल, और उसमें से मोर देन 1.12 लाख करोड़ वॉज पेड आउट विदाउट द एनी असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1.18 लाख करोड़ का शुगर कैन हमने प्रोड्यूस किया लेकिन उसमें से 1.12 लाख करोड़ का तो हमको कोई असिस्टेंस भी नहीं मिला बराबर ना। तो शुगर मिल्स और डिस्टिलरी जनरेटेड अराउंड द ₹18,000 करोड़ इन द रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ द इथेनॉल इन 2021-22। तो मैंने जैसे बात किया तो ये जो शुगर कैन है उसमें से जो इथेनॉल बनता है तो उसके लिए शुगर मिल्स और डिस्टिलरीज को कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, 18,000 करोड़ का बराबर ना। तो अगर मैं इंडिया के शुगर इंडस्ट्री की बात करूं तो इंडियन शुगर इंडस्ट्री एक्सपोर्टेड अमाउंट ऑफ 40,000 करोड़ इन द फॉरेन करेंसी विद द फेवरेबल इंटरनल प्राइसेस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसीज बराबर ना। तो इतना हमने एक्सपोर्ट किया है। ओके, अगर क्वांटिटी की बात करें तो 109.8 लाख मेट्रिक टन का एक्सपोर्ट किया है, अगर रुपीज़ के अंदर बात करें तो 40,000 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया है बराबर ना। ओके, यहाँ पे मैंने बताया है कि जैसे किस तरीके से हमने 2025 तक 20% ब्लेंडिंग करने की बात की है इथेनॉल का पेट्रोल के साथ, कौन से प्रोग्राम के अंडर में, इथेनॉल ब्लेंडिंग विद द पेट्रोल प्रोग्राम के अंडर में। तो इसके लिए इथेनॉल का प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है और इसके लिए शुगर कैन का प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। ओके, राइट। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने अभी अनाउंस किया है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द स्टार्टअप्स बराबर ना। तो ये एक स्कीम अनाउंस की गई है बराबर ना, किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा, राइट। अभी स्कीम क्या कह रही है उसके बारे में देखते हैं। तो द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द स्टार्टअप्स हैज़ बीन एस्टेब्लिश बाई द डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, टू ऑफर द स्टार्टअप्स कोलेटरल फ्री लोन्स अप टू द स्पेसिफाइड लिमिट। ये जो स्कीम है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द स्टार्टअप्स, ये स्कीम किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा,
और ये डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्री और इंटर्न जो है कौन से मिनिस्ट्री में काम करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर में काम करती है। और उसका इसने ये जो स्कीम प्रोवाइड की उसके अंदर से स्टार्टअप को कैसे बेनिफिट मिलेगा, तो उनको लोन मिलेगी और वो भी कोलेटरल फ्री, बराबर ना, लेकिन स्पेसिफाइड लिमिट तक। ओके, तो अभी ये स्कीम क्या है उसके बारे में बात करते हैं कि दिस लोन्स आर प्रोवाइडेड बाई द मेंबर इंस्टीट्यूशंस विच इंक्लूड द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स रजिस्टर्ड विद द सेबी। ये जो लोन है स्टार्टअप को कहाँ से मिलेगी, तो जो मेंबर इंस्टीट्यूशन, मेंबर इंस्टीट्यूशन कौन कौन सी हो सकती है, तो क्या शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, NBFCs, बराबर ना, तो ये सभी जगह से उनको लोन मिल सकती है। दीज आर द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज दैट एंगेज इन लैंडिंग और इन्वेस्टिंग एंड फुलफिल द क्राइटेरिया फॉर द एलिजिबिलिटी अंडर द स्कीम, राइट ना। तो ये सब ये जो हमने बात की कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक, NBFC, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या है, कि वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी किसको बोलते हैं, कि जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने में मदद करते हैं, बराबर ना। तो जो कोई ना कोई संस्था के साथ रजिस्टर्ड है, जो एलिजिबल है, वो सभी जगह से आप यहाँ से कोई भी स्टार्टअप लोन ले सकता है। अगर मैं स्कीम्स के बारे में बात करूँ, ये स्कीम क्या है, तो ये क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द स्टार्टअप, बराबर, ये इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड। तो ये जो संस्था है उसके द्वारा जो स्टार्टअप है, जिसकी डेफिनेशन ये संस्था के अकॉर्डिंग जो स्टार्टअप के अंदर फिट होता है, उस स्टार्टअप को अगर कोई बैंक या तो फिर कोई भी मेंबर इंस्टीट्यूशन लोन देगा, तो ये बैंक या तो फिर ये जो मेंबर इंस्टीट्यूशन है, बराबर ना, उसको यहाँ पे गारंटी देने की बात चल रही है, राइट। कि फॉर एग्जांपल ये बैंक ने, बराबर ना, फॉर एग्जांपल ये मेंबर इंस्टीट्यूशन जो एक बैंक है, जिसने कोई स्टार्टअप, एक पर्टिकुलर स्टार्टअप को 100 करोड़ रुपया लोन के ऊपर दिया, और ये स्टार्टअप ने ये बैंक को पैसा न चुकाया, बराबर ना, तो ये बैंक को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे उसको क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड की जा रही है ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड के द्वारा, कि जो भी आप लोन दे रहे हो इस स्कीम के अंडर में, बराबर ना, उसकी गारंटी मैं देता हूँ, अगर वो स्टार्टअप नहीं चुका पाया तो मैं चुकाऊंगा, सिंपल। और ये जो बैंक अथवा ये जो मेंबर इंस्टीट्यूशन है, वो मैक्सिमम एक सिंगल स्टार्टअप को कितना लोन दे सकता है, मैक्सिमम 10 करोड़ रुपया, कितना, 10 करोड़ रुपया, इंपॉर्टेंट है, बराबर ना, 10 करोड़ रुपया, राइट। तो ये क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द स्टार्टअप्स ये लॉन्च की गई है, जहाँ पे गारंटी प्रोवाइड की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड के द्वारा। जहाँ पे गारंटी किसको प्रोवाइड की जाती है, तो मेंबर इंस्टीट्यूशन जो ये स्टार्टअप्स को लोन दे रहे हैं, ताकि वो स्टार्टअप्स को लोन देने पर खचकाट ना हो पावे, सिंपल, बराबर ना। ओके, और ये जो स्कीम है ना, बराबर ना, ये जो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द स्टार्टअप, वो कौन सी स्कीम के अंडर में लॉन्च की गई है, तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंडर में लॉन्च की गई है। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव कब लॉन्च किया गया, 2016 के अंदर, तो उसी इनिशिएटिव को यहाँ पे और सपोर्ट कर रहा है ये स्कीम, बराबर ना, जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड के द्वारा लॉन्च किया गया है, बराबर ना, सिंपलली। ओके, और वो संस्था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, इसके लिए स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मेंबर इंस्टीट्यूशन को गारंटी प्रोवाइड की गई है कि भाई आप उनको लोन दीजिए, अगर वो लोन नहीं चुका पाएंगे तो उनकी तरफ से हम उसका रीपेमेंट आपको कर देंगे, सिंपल, बराबर ना। ओके, अगर मैं मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की बात करूँ, तो उसके मिनिस्टर कौन है, तो पीयूष गोयल, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, तो अनुप्रिया पटेल और सोम प्रकाश, बराबर, उसके स्टेटिक फैक्ट्स है। ओके, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि अभी रिसेंटली इंडियन रेलवे ने एम किया है टू बिकम द नेट जीरो कार्बन एमिटर बाय 2030, बराबर ना। तो ये हेडलाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडलाइन ही एक क्वेश्चन बना सकती है कि भाई इंडियन रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का कब टारगेट बनाया है, 2030। नेट जीरो कार्बन एमिशन मतलब क्या होगा, कि जितना भी कार्बन एमिशन हो रहा है उतना ही इक्विवेलेंट आपको रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना है, तो एटमोसफेयर के ऊपर ओवरऑल इफेक्ट ज़ीरो होना चाहिए। आपको मुझे बताना है कि भाई इंडिया के द्वारा नेट जीरो कार्बन एमिशन बनने का कब टारगेट रखा गया है, तो कि 2070, 2070 के अंदर, बराबर ना, और इंडियन रेलवे के द्वारा कब रखा गया है, 2030 के अंदर, बराबर ना, इंपॉर्टेंट है। अभी इस न्यूज़ के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं कि रिसेंटली इंडियन रेलवे इंटेंस टू ग्रेजुअली रिड्यूस इट्स कार्बन फुटप्रिंट एंड बिकम अ नेट जीरो कार्बन एमिटर बाई 2030 बाई कंप्लीटिंग द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द ऑल रेलवे ट्रैक्स एंड फोकसिंग ऑन द बूस्टिंग द नेटवर्क कैपेसिटी, राइट। तो जितनी भी ट्रैक का अभी इलेक्ट्रिफिकेशन करना बाकी है उसको कंप्लीट करके, उसके अलावा नेटवर्क कैपेसिटी को और बढ़ा के
इंडियन रेलवे ने एक टारगेट सेट किया है कि भाई वो 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन क्रिएट करेगा। एज अ पार्ट ऑफ इट्स नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ 33% रिडक्शन इन द एमिशन इंटेंसिटी विद द ट्रांसपोर्टेशन एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्टर्स विद द कंसिडरेबल मिटिगेशन पोटेंशियल। राइट, अभी देखो आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली एक मीटिंग हुआ था लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ COP26 जिसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, कहाँ पे हुआ था? ग्लेसगो के अंदर, ग्लेसगो यूके के अंदर। ये COP26 की अगर बात करूँ तो ये जो एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो मीटिंग्स होती है ना उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और ये जो 26 है वो मीटिंग का नंबर है कि 26 नंबर की मीटिंग हुई थी एनवायरनमेंट के रिलेटेड हुई थी, इसके लिए उसको बोला गया है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, बराबर ना। ये COP26 के अंदर इंडिया के द्वारा एक टारगेट सेट किया गया है कि भाई 2030 तक हम 2005 के अंदर जितना भी कार्बन इंटेंसिटी था एटमॉस्फेयर के अंदर उससे हम कितना रिड्यूस कर देंगे? 33% रिड्यूस कर देंगे। 2030 तक इंडिया के एटमॉस्फेयर में कार्बन इंटेंसिटी जो 2005 के अंदर जो कार्बन इंटेंसिटी था उससे कितना कम हो जाएगा? 33% कम हो जाएगा। ऐसा हमने कहाँ पे डिसाइड किया था? COP26 के अंदर। और उसको क्या बोलते हैं? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC बोलते हैं। तो उसी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के अंदर यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडियन रेलवे। ओके चलो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर कार्बन एमिशन के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर कार्बन एमिशन हम कम करेंगे तो ये हमारी जो टारगेट है वो जल्दी से अचीव हो जाएगा एक्चुअली। ओके अगर मैं जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है हमारा बराबर उसके अंदर इंडियन रेलवे कहाँ कहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है टू इंक्रीज द शेयर ऑफ द इंडियन रेलवे इन ओवरऑल लैंड बेस्ड फ्रेट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम 36% टू 45% बाई 2030, बराबर ना। तो ये जो हाँ सबसे पहले तो 2030 तक इंडियन रेलवे ने क्या किया है कि हम उन्होंने टारगेट रखा है कि जो अभी लैंड बेस्ड फ्रेट ट्रांसपोर्ट जो रेलवे के द्वारा 36% हो रहा है वो अभी कितना होगा 2030 तक? 45%, बराबर ना। सेकेंड, इंडियन रेलवे इज एस्टेब्लिशिंग द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स अक्रॉस द इंडिया विद द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बाय 457 बिलियन टन ओवर द 30-ईयर पीरियड, बराबर ना। तो यहाँ पे एक्चुअली इंडियन रेलवे क्या बना रही है? एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स जहाँ पे जस्ट मालगाड़ी ही चलेगी, बराबर ना, और कोई पैसेंजर ट्रेन्स नहीं चलेगी, बराबर ना। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि भाई एक ही ट्रैक के ऊपर अगर कोई गुड्स ट्रेन चलती है, राइट, और एक ही ट्रेन के ऊपर कोई पैसेंजर ट्रेन चलती है, बराबर ना, तो यहाँ पे वो गुड्स ट्रेन का एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का टाइम कितना एक्सटेंड हो जाता है बिकॉज पैसेंजर ट्रेन को पहले प्रायोरिटी देना पड़ेगा, राइट। तो ये जो ट्रैवलिंग टाइम है, बराबर, जो लॉजिस्टिक का जो टाइम है वो यहाँ पे कम करने की बात चल रही है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स मतलब उन लोगों के लिए जो गुड्स ट्रेन है उसके लिए एक स्पेशल ट्रैक होगा, बराबर ना, ताकि कम से कम टाइम के अंदर आप मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट कर सके, बराबर ना, सिंपल। और जितना ट्रांसपोर्ट कम टाइम में हो जाएगा उतना कार्बन एमिशन भी कम होगा, सिंपल। तो उसकी ये चीज़ की वजह से 30 साल के अंदर 457 बिलियन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होने की बात चल रही है, बराबर ना। ओके, इंडियन रेलवे के द्वारा अगेन NDC के अंदर अच्छे से कंट्रीब्यूट करने के लिए एक स्कीम भी लॉन्च की गई है, पेट स्कीम, परफॉर्म अचीवमेंट ट्रेड स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द रेलवे सेक्टर, बराबर ना। तो ये पेट स्कीम उनके द्वारा लॉन्च की गई है, सिंपल, बराबर। उसके अलावा जिस तरीके से पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल को मिक्स करने की बात चल रही है उसी तरीके से जो ट्रैक्शन डीजल फ्यूल है उसके अंदर 5% बायोफ्यूल ब्लेंड करने की बात चल रही है, बराबर ना। तो ये भी एक इनिशिएटिव लिया गया इंडियन रेलवे के द्वारा, राइट। उसके अलावा जो वाटर एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करने की बात चल रही है 20% से 2030 तक, बराबर ना। ट्री प्लांटेशन को इंक्रीज करने की बात चल रही है, बराबर ना, ताकि कार्बन सिंक बढ़े। वेस्ट मैनेजमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल की बात चल रही है और ग्रीन बिल्डिंग्स एंड पार्टिसिपेशन इन द स्वच्छ भारत मिशन, बराबर ना। तो ये सभी सेक्टर्स के अंदर इंडियन रेलवे यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है ताकि ओवरऑल नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन हो सके और अल्टीमेटली 2030 तक वो नेट जीरो कार्बन एमिशन क्रिएट करे, सिंपल, बराबर ना। ओके,
अगर मैं मिनिस्टर ऑफ रेलवे की बात करूँ तो मिनिस्टर ऑफ रेलवे कौन है, तो अश्विनी वैष्णव है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, तो के हैं राव साहेब पाटिल दानवे और दर्शना जरदोश, बराबर ना, तो ये उसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। ओके चलो, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली एक मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है दक्ष, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। आरबीआई ने भी लॉन्च किया है एक सुपरवाइजरी टेक एप्लीकेशन टू इम्प्रूव द सुपरवाइजरी प्रोसेस, राइट। तो क्या एप्लीकेशन लॉन्च किया, उसका नाम क्या है, दक्ष, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, आरबीआई के द्वारा। कि अभी रिसेंटली गवर्नर ऑफ आरबीआई लॉन्च अ न्यू सुपरवाइजरी टेक इनिशिएटिव नेम द दक्ष आरबीआईज एडवांस सुपरविजरी मॉनिटरिंग सिस्टम। दक्स क्या है, आरबीआई का एडवांस सुपरविजरी मॉनिटरिंग सिस्टम है टू फर्दर द स्ट्रेंथन द सुपरवाइजरी प्रोसेस। आरबीआई की जो सुपरवाइजरी प्रोसेस है उसको और मजबूत बनाने के लिए ये दक्स लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा। दक्स का मीनिंग क्या होता है, एफिशिएंट एंड कॉम्पिटेंट, एफिशिएंट एंड कॉम्पिटेंट। दिस ऐप इज अ पार्ट ऑफ द आरबीआईज वेरियस इनिशिएटिव्स इन स्ट्रेंथनिंग द सुपरविजन बाय द यूटिलाइजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर इंप्लीमेंटिंग द मोर एफिशिएंट एंड ऑटोमेटेड वर्क प्रोसेस। यस, क्या आरबीआई ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं टेक्नोलॉजी का बेस्ट पॉसिबल यूज़ करने के लिए, बराबर ना, उसी में से एक स्टेप है दक्ष, बराबर ना, जो आरबीआई की जो मॉनिटरी सिस्टम है उसको और मजबूत बनाएगा, उसकी जो सुपरविजरी स्ट्रेंथ है उसको और मजबूत बनाएगा, सिंपल, बराबर ना। ओके अगर मैं दक्ष के फीचर के बारे में बात करूं कि इट इज़ अ वेब बेस्ड एंड टू एंड वर्क फ्लो एप्लीकेशन विच विल बी यूज बाय द आरबीआई टू मॉनिटर द कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट इन अ मोर फोकस मैनर, बराबर ना। तो आरबीआई के अंदर में जितने भी डिपार्टमेंट्स, जितने भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज काम करते हैं, उनको यहाँ पे उनका जो डेली का वर्क फ्लो होता है वो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, और फिर उसका पूरा लेखा जोखा इन्वेस्टिगेट करेगी कौन, आरबीआई, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, दक्स प्लेटफॉर्म के थ्रू, बराबर ना, सिंपल। दिस एप्लीकेशन इज द इंजेंसिंग द कंप्लायंस कल्चर इन द सुपरवाइज एंटिटीज लाइक द बैंक्स एनबीसीज, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली के आरबीआई के द्वारा जो रूल्स रेगुलेशन बाहर निकाले जाते हैं उनको अगर कोई कंप्लायंस नहीं करेगा तो यहाँ पे आरबीआई उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लें, और इकोनॉमी के अंदर एक ट्रांसपेरेंट चीज़ें बननी रहे इसके लिए यहाँ पे आरबीआई के द्वारा ये स्टेप लिया गया है, जस्ट सिंपल, बराबर ना। ओके अगर मैं आरबीआई की बात करूँ तो आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, उसके डेप्यूटी गवर्नर कितने हैं, चार, एक तो महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम महेश्वर राव और टी रविशंकर। उसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, 1935 के अंदर, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, बराबर ना। तो जस्ट एक सिंपल न्यूज़ है कि दक्ष किसके द्वारा लॉन्च किया गया, आरबीआई के द्वारा। उसका काम क्या है, तो कि मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करना, उसके अलावा ये कैसे काम करेगा, तो जो जितना भी आपका वर्क फ्लो है, बराबर ना, पर डे का, वो यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट, हर एक इंटरमीडिएट्स को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा ताकि आरबीआई उसके ऊपर और निगरानी रख सके, जस्ट सिंपल, बराबर ना। ओके चल, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है और एक रिपोर्ट है कि अभी रिसेंटली एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट अभी लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, बराबर ना। तो ये एजुकेशन 4.0, अभी 4.0 है उसका मतलब ये है कि भाई एजुकेशन के अंदर देखो 3.0 था तो उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, उसकी बात चल रही थी। हमने 2-3 महीने पहले ही एजुकेशन 3.0 रिपोर्ट लॉन्च किया गया था, बराबर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ओके 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 हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया है, एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट, किसके द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, उसके बारे में बात करते हैं। अभी हमने 2-3 महीने पहले ही एक रिपोर्ट पढ़ा गया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही वो लॉन्च किया गया था, और उसका टाइटल था एजुकेशन 3.0। और 3.0 का मतलब क्या था, तो कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को अंदर इंप्लीमेंट करने में हमने कितना प्रोग्रेस किया है उसके बारे में रिपोर्ट था। लेकिन ये एजुकेशन 4.0 के अंदर क्या, कौन सा रिपोर्ट है कि भाई हमने स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन के अंदर हमने कितना प्रोग्रेशन किया है उसके बारे में है।
मतलब हम स्कूल में ऐसा कितना पढ़ाते हैं, ऐसा कितना क्वालिटी वाला पढ़ाते हैं कि भाई हमको हमारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब मिल जाए, बराबर ना। तो स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन के अंदर हमने कितना प्रोसेस किया है वो इस रिपोर्ट के अंदर, एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा बताया गया है, बराबर ना। सिंपल तो ये जो एजुकेशन 4.0 इंडिया ये जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा बनाया गया है, राइट। तो ये एक्चुअली लॉन्च इसके द्वारा किया गया लेकिन प्रिपेयर किसके द्वारा किया गया है, बराबर। तो ये दो संस्था है, यूनिसेफ और युवा। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लॉन्च द एजुकेशन 4.0 इंडिया इनिशिएटिव इन पार्टनरशिप विद द यूएन चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ एंड युवा जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया। तो ये तीन संस्था ने साथ में मिलकर इनिशिएटिव लॉन्च किया है, एजुकेशन 4.0 इंडिया इनिशिएटिव, राइट। अब ये इनिशिएटिव 2020 के अंदर लॉन्च किया गया था एंड हैज़ ब्रॉट टुगेदर मोर देन 40 पार्टनर्स फ्रॉम द एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट, एकेडमिक एंड स्टार्टअप कम्युनिटीज, बराबर ना। जैसे ये इनिशिएटिव कब लॉन्च किया गया था, एजुकेशन 4.0 इंडिया इनिशिएटिव 2020 के अंदर, बराबर ना। किसके द्वारा, तो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनिसेफ और युवा के द्वारा। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ऑब्जर्व द हाउ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी कैन इंप्रूव द लर्निंग एंड एलिमिनेट द इनइक्वालिटीज इन एक्सेस टू द एजुकेशन अमंग द इंडियन स्कूल चिल्ड्रन। कि किस तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी है, जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की जो टेक्नोलॉजी है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं, यहाँ पे एजुकेशन इंक्लूजन करने में किस तरीके से मदद कर रही है, बराबर ना। मतलब फॉर एग्जांपल कि ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर हमने बहुत अच्छा काम किया है, राइट। लेकिन ये ऑनलाइन एजुकेशन क्या गाँव गाँव तक, लोगों तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा, बराबर ना। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी है, उसकी मदद से एजुकेशन के अंदर कितना बेटरमेंट हुआ है वो यहाँ पे इस इनिशिएटिव के द्वारा उन लोगों ने ये प्रोग्रेस को यहाँ पे रिपोर्ट के तौर के ऊपर लॉन्च किया है, राइट। तो एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट आइडेंटिफाइज द गैप्स एंड सजेस्ट द इंटरवेंशंस अंडर द फोर थीम्स। यहाँ पे वो एक गैप को भी उसने आइडेंटिफाई किया इस रिपोर्ट के दौरान इन तीनों संस्था ने, और उनके द्वारा उनके उन्होंने सजेशंस भी दिए हैं, और चार थीम के अंदर सजेशंस दिए हैं। कौन कौन सी चार थीम, जो कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन एंड कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड, बराबर ना। तो ये चार जगह पे हमको काम करना है। उसके अलावा सॉल्यूशंस भी दिए हैं कि भाई क्यूरिकुलम, कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बराबर ना। ये कुछ सॉल्यूशंस हैं, पांच सॉल्यूशंस हैं और ये चार सजेशंस हैं जहाँ पे हमको काम करना है। और ये एजुकेशन 4.0 इंडिया इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, युवा और यूनिसेफ के द्वारा। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई ये जो फोर्थ इंडस्ट्री रिवोल्यूशन हो रहा है, बराबर ना, जो उसकी जो टेक्नोलॉजी है क्या उसके अंदर से हम कितना एजुकेशन को इंक्लूसिव बना पा रहे हैं, बराबर ना। और उसके लिए हमको क्या क्या करना चाहिए और हमारे पास क्या क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल है, सिंपल, बराबर ना। ओके, यहाँ पे ये जो S2W ट्रांजिशन की बात चल रही है पूरे रिपोर्ट के अंदर, उसका मीनिंग क्या है कि इट इज़ रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट्स जॉब रेडी इन द रैपिडली चेंजिंग लेबर मार्केट, बराबर ना। तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे जॉब रेडी बनाना, बराबर ना। ये जो लेबर मार्केट है जो रैपिडली चेंज हो रहा है, तो ये जितना ये रिवोल्यूशन इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है उतना रिवोल्यूशन एजुकेशन के अंदर भी होना चाहिए, बराबर ना। जो जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं पढ़ के वो इंडस्ट्री के अंदर काम करने के लिए रेडी होने चाहिए, बट उसको बोलते हैं S2W ट्रांजेक्शन, बराबर ना। तो यहाँ पे कितना प्रोग्रेशन किया गया है इंडिया के द्वारा इस रिपोर्ट के थ्रू बताया गया है, उसके अलावा सजेशंस भी बताए गए हैं और सॉल्यूशंस भी बताए गए हैं, जस्ट सिंपल, बराबर ना। ओके, अगर मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, उसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। 1971 के अंदर उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उसके फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है, क्लॉस श्वाब है, बराबर ना, सिंपल। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को सेबी का परमिशन मिल गया है फॉर द सोशल स्टॉक एक्सचेंज एज अ सेपरेट सेगमेंट, बराबर ना। देखो फ्रेंड्स, अभी इस न्यूज़ के अंदर क्या है कि अभी तक आपने स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ा होगा। स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं इंडिया के अंदर, दो है मेनली, एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बराबर ना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अगर मैं बात करूँ तो ये दुनिया का नहीं, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ये 1875
1875 बराबर ना, 1875 के अंदर ये बनाया गया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, बराबर ना। उसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी ने आईपीओ रेज किया, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर बराबर ना, या आईपीओ रेज किया राइट। आईपीओ क्यों रेज करता है कोई भी कंपनी, क्योंकि उसको मार्केट में पैसा चाहिए, मार्केट में से पैसा चाहिए बराबर ना। लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें और उसके पास पैसा है और वो अपनी कंपनी को एक्सपांड करें और फिर वो उसमें से कंपनी का जो प्रॉफिट हो उसमें से डिविडेंड देगा जिन लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, जस्ट सिंपल बराबर ना। ओके ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने सेबी को परमिशन दी है कि भाई वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज को अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू लॉन्च कर सकता है, लेकिन इन द सेपरेट सेगमेंट बराबर ना। अभी सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, तो आपको ये तो पता है कि भी स्टॉक एक्सचेंज क्या है, तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे कंपनीज आईपीओ रेज करती है, आईपीओ इश्यू करता है, आईपीओ के माध्यम से कंपनी क्या करती है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जिसने आईपीओ लॉन्च किया है इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो उसका मतलब क्या है, वो कंपनी मार्केट में से पैसा रेज करना चाहती है। आपने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया और आपको आईपीओ अलॉट हो गया, आपको उस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट हो गया, तो उसका शेयर आपके पास आ जाएगा, फिर वो शेयर को आप कोई थर्ड पार्टी को बेच सकते हो राइट। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना वो एक स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर होता है बराबर ना, सिंपल राइट। तो इंडिया के अंदर दो स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बराबर ना, सिंपल। और अभी यहाँ पे सोशल स्टॉक एक्सचेंज की बात चल रही है, कौन से सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो अभी तक फ्रेंड्स कि कोई भी ऐसी कंपनी जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी हो, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी मतलब कैसी कंपनी कि आप बोल सकते हो कि भाई कोई ट्रस्ट हो, कोई एनजीओ हो, या तो फिर कोई ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट तो करती हो लेकिन वो अपना प्रॉफिट का हिस्सा अपने एक्सपेंशन में ही लगाती हो, लाइक नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, जो आप नेट बैंकिंग करते हो, जितनी भी डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हो वो सभी की डीएन किसकी है, NPCI की, या तो फिर कोई एनजीओ हो या तो फिर कोई ट्रस्ट हो बराबर, जो सोसाइटी के लिए काम करता है राइट। तो अभी तक अगर उन लोगों को पैसा चाहिए तो वो मार्केट में से पैसा रेज करने का उनके पास ऑप्शन नहीं था। जहाँ तक वो लोग कहाँ से पैसा लेते थे, फॉर अगर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ एनजीओ की, कोई ट्रस्ट की बात करूँ, तो अगर कोई डोनर मिलेगा उनको तभी उनके अंदर पैसा आएगा, कोई इन्वेस्ट करने वाला उसको ग्लोबल लेवल पे उनके अंदर कोई नहीं था बराबर ना, सिंपल। लेकिन उनको भी अभी पैसा मार्केट में से रेज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उस प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया गया है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए अगर कोई संस्था काम करना चाहती है और अगर उसको मार्केट में से इतना कोई उतने कोई डोनेशन नहीं मिल रहा है लेकिन उसको और ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो इस स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से वो पैसा रेज कर सकता है। टोटल 16 सर्विसेज, जो सोसाइटी के रिलेटेड जो 16 सर्विसेज हैं, अगर उस 16 सर्विसेज के अंदर अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज, अरे अगर कोई कंपनी, अगर कोई एनजीओ काम करता है बराबर ना, तो उनको ये मार्केट में से पैसा रेज करने के लिए ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया है। और अब ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज को एक जगह दी गई है कि जो BSE के द्वारा एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा इस सोशल स्टॉक एक्सचेंज को, लेकिन एक सेपरेट प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि भैया जो उसका जो खुद का स्टॉक एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है वहीं पे ये सभी कंपनीज लिस्टेड होगी, ऐसा नहीं होगा। आपको BSE के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही सोशल स्टॉक एक्सचेंज सेगमेंट के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पर जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं आप वहाँ पर अगर डोनेट करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप वहाँ से कर सकते हो राइट। तो जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं उन लोगों को अगर डोनेशन कम पड़ रहा है और ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो ये प्लेटफॉर्म के थ्रू वो मार्केट में से पैसा रेज कर पाएंगे राइट। ऑलरेडी UK, कनाडा, ब्राज़ील, ये सभी जगह पे सोशल स्टॉक एक्सचेंज चल ही रहे हैं और इंडिया के द्वारा अभी ये स्टेप लिया गया है, सिंपल। लेकिन अभी आप डोनेट या तो फिर आप इन्वेस्टमेंट कौन सी NGO कौन से ट्रस्ट के अंदर कर सकते हो, तो उसके भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आपको पढ़ना जरूरी है। हाँ ओके, अगर मैं अभी वो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है NPO, उसकी एलिजिबिलिटी की बात करूँ कि कौन सा NPO, कौन सा NGO, कौन सा ट्रस्ट वो मार्केट में से पैसा ये प्लेटफॉर्म के ऊपर से रेज कर सकता है, तो कौन सा NPO कि जो लास्ट 3 साल से काम कर रहा है, जिसने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 50 लाख रुपये का स्पेंडिंग किया है सोसाइटी के लिए, और जिसने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जिसको मिनिमम 10 लाख रुपया डोनेशन के तौर के ऊपर मिला है, तो ये एलिजिबिलिटी अगर फुलफ़िल होती है तभी आप ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के ऊपर से पैसा रेज कर सकते हो बराबर ना, सिंपल।
अगर मैं सेबी की बात करूँ तो सेबी जिसका चेयरपर्सन है मदामी पुरी बुच, जो पहले महिला चेयरपर्सन है सेबी के, बहुत इंपॉर्टेंट, हेडक्वार्टर उनके मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, और उसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है 1992 के अंदर, बराबर, सेबी एक्ट 1992 के अंदर में, बराबर ना। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि इंडिया का पहला पेट्रोल ऑपरेटेड ड्रोन डीएच एग्रीगेटर, उसको अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का अप्रूवल मिल गया है, राइट। और एमएस धोनी ने लॉन्च किया है द्रोणी कैमरा ड्रोन, बराबर ना। तो उसके बारे में बात करते हैं कि इंडिया का पहला पेट्रोल ऑपरेटेड ड्रोन नेमली डीएच एग्रीगेटर हैज रिसीव द टाइप सर्टिफिकेट फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सिविल एविएशन विच इनेबल्स द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ द ड्रोन्स इन द मार्केट एज पर द नेम। अगर आपको ड्रोन चलाने की परमिशन चाहिए, ड्रोन बनाने की परमिशन चाहिए, तो आपको कहाँ से लेनी पड़ती है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ द सिविल एविएशन। तो यहाँ पे उन्होंने इंडिया का पहला पेट्रोल ऑपरेटेड ड्रोन डीएच एग्रीगेटर को यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है, बराबर ना। तो ये जो ड्रोन है उसको डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किसके द्वारा किया गया है, तो कि अम्बातूर एक चेन्नई बेस्ड स्टूडेंट का जो स्टार्टअप है दक्ष अनमेन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, बराबर, उसके द्वारा किया गया है, बराबर ना। कि डीएच एग्रीगेटर इज़ अ एग्रीकल्चर स्प्रेयर ड्रोन फॉर द फार्मिंग सोल्यूशन, बराबर ना। तो जो जो हिली एरिया होते हैं जहाँ पे नॉर्मली अगर आपको पेस्टिसाइड स्प्रे करने होते तो फार्मर्स वहाँ पे फ्रीक्वेंटली नहीं जा पाते, राइट। तो वहाँ पे ड्रोन्स बहुत ही इफेक्टिव काम करते हैं, बराबर ना। तो ये डीएच एग्रीगेटर वहाँ पे काम करेगा और ये इंडिया का पहला पेट्रोल ऑपरेटेड ड्रोन है, बराबर ना, जो आपको चार्ज वगैरह नहीं करना पड़ेगा, बराबर ना, जो पेट्रोल के द्वारा भी चलेगा सिंपल, बराबर ना। इसको डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का अप्रूवल मिल गया है। ड्यू टू द पेट्रोल इंजन द ड्रोन कैन बी ऑपरेटेड फॉर द लॉन्ग आवर्स इन द रिमोट एग्रीकल्चर फील्ड्स बेरिंग द नीड ऑफ द फ्रीक्वेंट चार्जिंग ऑफ द बैटरीज, राइट। नॉर्मली ड्रोन्स के अंदर क्या होती है, बैटरीज होती है, लेकिन यहाँ पे पेट्रोल इंजन है, तो अगर कोई फार्मर्स के वहाँ पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बराबर, फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ा खेतर है, राइट, तो दूर दूर तक कोई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और बीच में बैटरी खत्म हो गई, तो यहाँ पे स्प्रेइंग की एक्टिविटी बीच में ही खत्म हो सकती है। तो वहाँ पे अगर ये पेट्रोल ऑपरेटेड ड्रोन होगा तो आप उसको पेट्रोल डाल के उसको चला सकते हो सिंपल, बराबर ना। दिस ड्रोन कंज्यूम 700 ml ऑफ पेट्रोल पर एकर एंड टेक्स 7 to 10 minutes टू स्प्रे एन एकर। एक एकड़ ज़मीन के ऊपर अगर आपको स्प्रे करना है तो 7 to 10 minutes लगेगा और इसके लिए कितना पेट्रोल यूज़ होता है, 700 ml, बराबर ना। इट हैज़ अ मैक्सिमम स्प्रेइंग पेलोड इज 12 liters, बराबर। कितना पेट्रोल यहाँ पे यूज़ कर सकता है वो, कितना एक टाँकी के अंदर कितना आ सकता है, 12 liters, बराबर ना, सिंपल। यहाँ पे ये जो दक्ष का ये जो यूनिट है जिसने ये बनाया है, उसको यहाँ पे R&D के लिए फैसिलिटी किसके द्वारा प्रोवाइड की गई है, तो कि मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एरोस्पेस डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पे R&D टेक्नोलॉजी उसको प्रोवाइड की गई है, बराबर ना। और ये जो दक्ष ये जो प्राइवेट कंपनी है इज ऑल्सो सेटिंग अप एन एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट द अम्बातूर। द कॉस्ट ऑफ द ईच ड्रोन कॉस्ट ₹13 to 15 lakh, हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफरिंग द सब्सिडी ऑफ ₹10 lakh टू द किसान विकास पत्रम एंड ₹7.5 lakh टू द फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, बराबर ना। यस, कि ये जो डम्स के द्वारा ये जो ड्रोन बनाया गया है उसकी कॉस्ट कितनी है, 13 to 15 lakh, लेकिन गवर्नमेंट ने एक सब्सिडी अनाउंस की है, जो भी फार्मर को ये परचेस करना है अगर वो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको ये 7.5 lakh की सब्सिडी मिलेगी, और अगर वो किसान विकास केंद्र के से बिलोंग करता है, बराबर ना, तो उसको 10 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। उसके अलावा MS धोनी ने अभी लॉन्च किया है द्रोणी, एक कैमरा ड्रोन। इंडियन क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी हैज लॉन्च एन इंडियनियस क्वाडकॉप्टर कंज्यूमर कैमरा ड्रोन नेम द द्रोणी, बराबर ना, विच कैन बी यूज फॉर द डिफरेंट सर्विलेंस पर्पसेस, बराबर ना। तो ये एक कैमरा ड्रोन है जो सर्विलेंस पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है, उसका नाम है द्रोणी, राइट, जो MS धोनी के नाम के ऊपर बनाया गया है, बराबर ना। हाँ, वो लॉन्च कब किया गया था, जो ग्लोबल ड्रोन एक्सपो हुआ था अभी चेन्नई तमिलनाडु के अंदर, बराबर ना, वहाँ पर हुआ था, बराबर ना। ये एक एडवांस फीचर ड्रोन है जो मैन्युफैक्चर किया है गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, बराबर ना, ऑफ विच MS धोनी इज अ ब्रांड एम्बेसडर। ये जो गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है जो ड्रोन्स बनाती हैं उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, MS धोनी, तो उनके ही नाम के ऊपर उन्होंने द्रोणी बनाया है, जो एक कैमरा ड्रोन है जो सर्विलेंस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, बराबर ना। तो दोनों ही ड्रोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अगर मैं गरुड़ा एरोस्पेस की बात करूं तो उसके फाउंडेशन सीईओ है अग्निश्वर जयप्रकाश, उसके हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु के अंदर, बराबर ना। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के सभी न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे समझ में आया होगा। बाय।